बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि हमें इस बात को जहन नशीन करना चाहिए कि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने हमें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। इस बात को जहन में रखते हुए हमें आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बेहतर से बेहतर नतायज बरामद करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तेलंगाना भवन में वरंगल पार्लिमानी हल्के के जायजा इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को असेंबली इंतखाबात के नतायज को बाजू रखकर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर तवज्जो मरकोज करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे कि असेंबली इंतखाबात के नतायज बीआरएस के लिए कुछ हद तक मायूस कुन साबित हुए, ताहम पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश जों का तों बरकरार है। इसी जोश व खरोश के साथ आने वाले इंतखाबात में काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को सिर्फ 6 जमानतें नहीं बल्कि 420 वादे किए। इस बात को पार्टी कारकुन आवाम तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई हुकूमत को 100 दिन का मौका देने का इब्तिदा में फैसला किया गया था, लेकिन असेंबली इजलास के दौरान गवर्नर की तकरीर का मवाद और मुख्तलिफ महकमों पर जारी करदा वाइट पेपर्स के जरिए बीआरएस और चंद्रशेखर राव हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ये काम कांग्रेस ने ही शुरू किया, इसीलिए हम आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने पर कांग्रेस पर अपना दबाव बरकरार रखेंगे।